सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए हम एक साथ उसने कहा था प्रेम की कहानी को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। कल पीछे की वीडियो में, क्योंकि प्रेम लंबा ही होता है तो कहानी लंबी होगी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नकली लेफ्टिनेंट को किस प्रकार से लहना सिंह पहचानता है और नकली लेफ्टिनेंट हजारा सिंह को क्या आदेश देता है और उसके आदेश को सुन करके हजारा सिंह अपनी सेना को लेकर के चला जाता है, है ना। लहना सिंह किस प्रकार से ताड़ता है, किस प्रकार से नकली लेफ्टिनेंट को पहचानता है, ये सबसे बड़ी बात है ध्यान में रखना। दो बातें हैं, एक तो पीने को सिगरेट देता है और दूसरी ओर नकली लेफ्टिनेंट के क्या है, बाल है कैदियों जैसे। क्यों साहब, हम लोग यहाँ देखे शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा, लप्टन साहब 5 वर्ष से उनकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे, लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है, जांचना चाहा इसको? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ याद है। पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगधारी जिले में शिकार के लिए जांच कर रहा है, लहना सिंह बोल रहा है। लहना सिंह ये कथन किसका है? पार साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे, कौन कह रहा है, लहना सिंह? हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार होते थे। खोते पर, खोते का मतलब क्या है, गधे। खोते का मतलब यहां पर क्या है, गधा। और आपका खानसामा, खानसामा का मतलब होता है रसोईया। खानसामा का मतलब क्या हो गया, रसोईया। अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था, बेशक पाजी कहीं का, दुष्ट कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली, ऐसी बड़ी मैंने कभी नहीं देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। पुट्ठे से निकली मतलब जांघ से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। कौन कह रहा है, लहना सिंह। तो वो कहता है, हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। यानी बातों में उलझा रहा है उसको। तुमने सिगरेट नहीं पिया, कौन कह रहा है, नकली लेफ्टिनेंट। आगे देखिए क्या चर्चा होती है। पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। यानी इस प्रकार से बातें कर रहे थे, अंदर दिया सलाई लेने के लिए बाहर आता है। ध्यान रखना, लहना सिंह अंदर किस बहाने से आता है, दिया सलाई, माचिस की डिबिया लेने के लिए आता है। दिया सलाई लाता हूँ, और उसके पास पहले से दिया सलाई थी, किसके पास, नकली लेफ्टिनेंट के। जैसे ही लहना सिंह तो दिया सलाई के बहाने अंदर आता है, पीछे से नकली लेफ्टिनेंट खाई में घुस करके 3 बम वहाँ पर रख देता है और उन बम्बों को तारों से जोड़ देता है ताकि अचानक वो हमला कर सके और यहाँ सिख सैनिकों को मार सके। उधर तो हजारा सिंह की सेना को वो जर्मन सैनिक मार देंगे और इधर इन सैनिकों को मैं मार दूंगा, ये विचार था नकली लेफ्टिनेंट का। लेकिन खुदा को मंजूर कुछ और था। लहना सिंह सब प्रकार की चाल को समझ गया था। ये अंदर आके क्या करता, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। उनको पता था कि अब ये नकली लेफ्टिनेंट बहुत बुरा करने वाला है, धोखा करने वाला है, सबको मार देने वाला है। इसलिए झट फटाफट उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमें क्या करना है। अंधेरे में इस प्रकार से वो जा रहा था तो अचानक पैर लगा किसके, वजीरा सिंह के। वजीरा सिंह गहरी निद्रा में सो रहा था, तो अंधेरे में किसी सोने वाले से बैठक रहा है, और सोने वाला कौन था, वजीरा सिंह था। वजीरा सिंह चैन की नींद सो रहा था। अब ध्यान रखें कि नकली लेफ्टिनेंट के आदेश को पाकर हजारा सिंह की सेना वहां चल देती है। उस सेना को वापस मोड़ने का काम कौन करता है, वजीरा सिंह करता है। और ऐसा वजीरा सिंह को कहता कौन है, लहना सिंह ही तो कहता है। लहना सिंह सोते हुए वजीरा को कहता है कि उठो, नकली लेफ्टिनेंट की वेशभूषा में कयामत आई है, आफत आई है। कयामत किसको कहा गया है, नकली लेफ्टिनेंट को कहा गया। और उसने
हजारा सिंह को आदेश दे दिया है। हालांकि वहां पर जर्मनी सैनिक है, हजारा सिंह की सेना को मार करके रख देंगे, यहां पर ये अपने को मार देगा, जल्दी करो हजारा सिंह की सेना को वापस मोड़ लाओ। ये कौन कहता है? लैना सिंह कहता है अपने भाई वजीरा सिंह को, जो अंधेरे में सो रहा था और इनको कहने के लिए नकली लेफ्टिनेंट से पीछा छुड़ा करके दिया सिलाई का बहाना बना करके वह खाई के अंदर आता है। कौन? वजीरा सिंह, क्योंकि अंधेरे में टकराता है तो फिर वो अचानक झिझकता है। कौन? लैना सिंह कहते वजीरा सिंह हो क्या? हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। क्या कयामत आ गई? कयामत का मतलब होता है आफत। क्या परेशानी आ गई रात को, थोड़ी सी आंख तो लगने दी होती। आंख लगने दी होती का मतलब होता है थोड़ी सी नींद तो लेने देते। ये कौन कह रहा है? विदूषक। बोले तो वजीरा सिंह, होश में आओ कयामत आई, होश में आओ कयामत आई और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। ये कथन किसका है? लैना सिंह का है। ध्यान रखना कथनों को, मजा तभी आएगा। लैना सिंह का है, किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? वजीरा सिंह को कहा जा रहा है, वजीरा सिंह को कहा जा रहा है। और कयामत आई है, कयामत किसको कहा गया है? जर्मन भेदिया को कहा है। जर्मन भेदिया जो नकली लेफ्टिनेंट बन करके आया है उसको कयामत कहा है। कथन किसका है? लैना सिंह का। और किसको कहा जा रहा है? वजीरा सिंह। उसमें वजीरा सिंह क्या कर रहा था? वजीरा सिंह चैन की नींद अंधेरे में सो रहा था। ओके, नेक्स्ट देखिए। अरे समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो मोबाइल से निकल पड़ो बाहर, ये तो काम नहीं करेगा। लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। किसके किसने कहा कि ये आया है? इसका मतलब भारतीय लेफ्टिनेंट नहीं है। भारतीय लेफ्टिनेंट को इन लोगों ने इस प्रकार की चालाकी में आकर या तो मार दिया या फिर कैद कर लिए गए। ये कथन किसका है? लेफ्टिनेंट। अरे किसका है? ये लैना सिंह का। लैना सिंह का कथन है। लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। ये कथन किसका है? लैना सिंह का। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। प्रथम अंडरलाइन करते जाओ इसको। नकली लेफ्टिनेंट से पीछा छुड़ा करके दिया सलाई का बहाना लेकर खाई में घुसकर लैना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या आप बीती बताई। तो ये बताना कि लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है, सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, इसका मतलब हजारा सिंह ने इनको पहचाना नहीं, मैंने देखा है और बातें की हैं, साफ उर्दू बोलता है। कौन बोलता है? किसके बारे में कहा जा रहा है? ये नकली लेफ्टिनेंट के बारे में कहा जा रहा है। पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है, है ना? तो अब क्या करें? अब मारे गए, धोखा है, सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे। यहाँ पर सूबेदार हो रहा किसको कहा गया है? सूबेदार हजारा सिंह को कहा गया है। कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर दावा होगा, उधर तो सूबेदार हजारा सिंह को मार दिया जाएगा, हजारा सिंह सेना पर आक्रमण होगा और यहाँ ये नकली लेफ्टिनेंट अपनी खाई पर आक्रमण करेगा, है ना? और यहाँ खाई पर धावा होगा। धावा का मतलब क्या होगा डियर? आक्रमण होगा। धावा का मतलब क्या है? आक्रमण होगा। उठो एक काम करो। कौन कह रहा है? लैना सिंह कह रहा है कि वजीरा सिंह उठो एक काम करो, जल्दी करो, पलटन के पैरों के। पलटन का मतलब क्या है? सेना। पलटन का मतलब क्या है यहाँ पर? सेना के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ और सूबेदार हजारा सिंह जहां पहुंचा है उसको वापस मोड़ लाओ। वास्तविकता नहीं है, बहुत बुरा होने वाला है। निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर। अंडरलाइन करते जाना है। लैना सिंह वजीरा सिंह को क्या कह करके हजारा सिंह को वापस लाने की बात कहता है? उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे क्योंकि समय कम ही हुआ है। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे, बिना सोचे समझे उल्टे पैरों वापस लौट आएं,
खंदक की बात झूठ है, वहाँ पर कोई अपने सैनिक नहीं है, वहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर जर्मनी सैनिक है, वो तुझे मार देंगे, चले जाओ खंदक के पीछे से निकल कर, निकल जाओ, पता तक खड़के, पता तक न खड़के, अर्थात किसी भी प्रकार की आवाज़ ना हो, देर मत करो। पता तक न खड़के का मतलब होता है आवाज नहीं करें, चुपचाप पीछे के हिस्से से निकल जाए। ऐसी बात कौन कहता है? लैना सिंह। किसको कहता है? वजीरा सिंह को कहता है। हुक्म तो यह है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लैना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है। लैना सिंह अपने आप को मजबूत करते हुए बोलता है कि किसी का हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है, अगर हुक्म होता तो इस प्रकार की नौबत ही नहीं आती, ऐसी तैसी हुक्म की। मैं कहता हूँ इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर मैं हूँ, मैं कहता हूँ तुम यहाँ से निकल पड़ो। उसका हुक्म है मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, मैं लप्टन साहब के पास जाता हूँ, उसकी सूचना लेता हूँ क्या करता है। पर यहाँ तो तुम आठ ही हो। कौन कह रहा है? वजीरा सिंह कह रहा है कि मेरे चले जाने के बाद आप तो यहाँ पर क्या है, आठ ही हो। आठ नहीं, 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये कथन किसका है? लैना सिंह का। ये कथन किसका है? लैना सिंह का है कि एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, हम आठ नहीं कई लाख हैं, चले जाओ तुम, तो हमारी खबर मत करो कि हम कैसे हैं, क्या करेंगे, ये मेरा काम है, अभी बात करने का वक्त नहीं है, अभी वक्त है सूबेदार की सेना को बचाने का, चले जाओ। नेक्स्ट देखिए, लौट कर खाई के मुहाने पर, लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के, देखो क्या क्या करता है, लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब, वजीरा सिंह तो हजारा सिंह की सेना के पीछे चला गया वापस लाने के लिए, पीछे से लैना सिंह दीवार के सहारे चिपकता है और देखता है कि नकली लप्टन साहब क्या करता है। विद्या सिलाई के बहाने लैना सिंह तो अंदर आ जाता है, पीछे से नकली लेफ्टिनेंट क्या करता देखिएगा, इसकी करतूत लप्टन साहब क्या करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्या काम करता है, मैंने पहले बताया था कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले। कितने गोले निकाले? 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया, इन दसा दिया, और तीनों में एक तार सा बांध दिया तीनों को, ताकि एक साथ फूटे। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, गुत्थी का मतलब यहां पर क्या है, गांठ, जिसे सिगड़ी अंगीठी के पास रखा ताकि उनको जलाया जा सके और विस्फोट हो सके। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने की कोशिश ही कर रहा था, इतने में लैना सिंह ने बंदूक लेकर के उल्टी बंदूक से कोहनी पर दे मारा, जिससे नकली लेफ्टिनेंट धराशायी हो गए, अर्थात मूर्छित हो गए, घायल हो गए। तलाशी ली लैना सिंह ने, लेकिन पेंट की जेब की तलाशी नहीं ली, उन्होंने कुछ जरूरी कागजात और डायरी ही निकाली। उसके बाद में क्या व्यंग्य करता है आगे की बात देखेंगे। तो ये अंडरलाइन करना है कि नकली लेफ्टिनेंट खाई के अंदर क्या क्रियाक्रम करता है। ओके, देखिए, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की, तो यहाँ से फिर अंडरलाइन करेंगे, इस प्रकार का कार्य करते हुए नकली लेफ्टिनेंट को देखकर लैना सिंह ने क्या किया। जैसे नकली लेफ्टिनेंट खाई में 3 बम रख करके उसको आपस में तारों से जोड़ देता है और दिया सिलाई से पास सटाने की कोशिश करता है, तब लैना सिंह क्या करता है, बिजली की तरह दोनों हाथों से, यानी इतनी तपाक से, जल्दबाजी करके दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कूनी पर तान कर दे मारा, खींच करके मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सिलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा, कुंदा का मतलब है
बंदूक का पिछला हिस्सा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह आ मीन गॉड आ मीन गॉड का मतलब है ओ माय गॉड तेरा गॉड क्या तेरा करेंगे सिस्टम खराब ठहर जा तो कहते हुए चित हो गए पीठ के बल लेट के। लैना सिंह ने तीनों गोले फटाफट बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर लिया, यानी अपनी जेब में अंदर रख लिया लैना सिंह ने। लेकिन लैना सिंह ने भूल कर दी कि उन्होंने नकली लेफ्टिनेंट की पेंट की तलाशी नहीं ली, अर्थात पेंट के जेबों की तलाशी नहीं ली, क्योंकि नकली लेफ्टिनेंट ने पेंट की जेब में क्या छुपा रखी थी, पिस्तौल छिपा रखी थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किया है। अब ये काम कौन कर सकता है बताइए, साहसी व्यक्ति कर सकता है। काश नकली लेफ्टिनेंट उस समय वहाँ नहीं होता तो मैं कहता हूँ हजारा सिंह की सेना अच्छी प्रकार से बढ़िया तरीके से मारी जाती और इधर सिख सेना के जितने भी सिपाही थे वो सब मारे जाते। ये लैना सिंह ही साहसी दिलेर व्यक्ति है जिसके एक कारण से सब कुछ बच गया, ठीक है ना। सलाम भाई को। साहब की मूर्छा हटी, भाई मूर्छा का मतलब क्या है यहाँ पर, घायल कौन हो गया था घायल नकली लेफ्टिनेंट। लैना सिंह हंसकर बोला, जैसे ही नकली लेफ्टिनेंट की मूर्छा हटी तो लैना सिंह ने हंसकर नकली लेफ्टिनेंट को क्या कहा। तो यहां पर लैना सिंह क्या कस रहा है व्यंग्य, यहां पर लैना सिंह नकली लेफ्टिनेंट पर व्यंग्य कर रहा है और व्यंग्य करते हुए क्या बोल रहा है अंडरलाइन करेंगे। लैना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट पर क्या व्यंग्य किया, यहाँ इसकी तो मूर्छा थी, धीरे धीरे यहाँ पर ये तो व्यंग्य कस रहा है, यहाँ ये तो बोल रहा है कड़वी बातें बोल रहा है, व्यंग्य का मतलब होता है कड़वी टेढ़ी बातें जिससे अगले वाले को क्या आ जाए गुस्सा। और इधर ये क्या काम कर रहा था, पेंट से क्या निकाल रहा था, धीरे धीरे पिस्तौल निकाल रहा था, मौका पा करके वो लैना सिंह पर गोली चला देता है और वो गोली कहाँ लगती है, जांघ पर लगती है। लेकिन लैना सिंह तुरंत घाव का ध्यान न रख करके तुरंत बंदूक चला करके नकली लेफ्टिनेंट को ऊपर यानी मार देता है। क्यों लेफ्टिनेंट साहब मिजाज कैसा है, मिजाज का मतलब होता है स्वभाव, मिजाज का मतलब मिराज नहीं है जो कई लोग खाते हैं, आप में से भी कोई खाते होंगे, डियर कभी नशा पता मत करना, बस कुछ आनंद नहीं है। नशा पता में जितना पैसा लगता है उतना उस पैसे से आप अच्छी चीज़ें खाइए, फल फ्रूट खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन इस प्रकार की गलती ना करें, ठीक है। आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, लैला सिंह बोल रहा है। लैना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट पर क्या व्यंग्य किया, तो यहाँ से करना है कि आज मैंने बहुत बातें सीखी, यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, व्यंग्य किया, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गायें होती हैं, पहले चर्चा हुई थी ना, और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, ये मैंने आपसे सीखा है। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, ये बोल कौन रहा है लैना सिंह, और इनमें क्या भाव छिपा हुआ है, व्यंग्य का भाव किसके ऊपर कहा जा रहा है नकली लेफ्टिनेंट, और नकली लेफ्टिनेंट उसमें धीरे धीरे क्या कर रहा है, उनकी मूर्छा हटी धीरे धीरे पेंट में हाथ डाल रहा है, मौका पाकर के वो बंदूक चलाएगा। और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं, नकली लेफ्टिनेंट गधे पर सवार होते हैं, पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए, हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के, डैम का मतलब होता है क्या, शब्दों का पुल, जिसको हम बोलते हैं शब्द भंडार, होता है ना वो डायरी शब्दों की, देख करके बोलते हैं कि 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते, नहीं बिना देखे, हमारे भारतीय लेफ्टिनेंट तो बोल ही नहीं सकते, आप तो साफ उर्दू बोलते हैं, ये उर्दू कहाँ से सीखा है आप। अब देखिए इतने में क्या होता है, ये व्यंग्य पूरा अंडरलाइन करेंगे, आप कहाँ से करना है आप, आज मैंने यहाँ से व्यंग्य, यानी लैना सिंह ने नकली लेफ्टिनेंट पर क्या व्यंग्य किया, व
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विनोद मिल, पर्सन यहीं से पुटअप होंगे, देख लेना जिस दिन पेपर आएगा, ओके। इसलिए मैंने आपको पाठ पढ़ाना उचित समझा है। देखिए आगे, लेना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी, मैंने पहले बोला था सब कुछ तलाशी ले ली, डायरी ले ली, जरूरी कागजात ले लिए और अपनी जेब के वाले कर लिए, लेकिन पतलून का मतलब होता है पैंट। जेबों की तलाशी नहीं ली थी, साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले, जेबों में हाथ डाले, लेना सिंह को पता भी चल गया, लेकिन लेना सिंह ने सोचा कि भाई सर्दी है, शायद सर्दी से बचने के लिए जेब में हाथ डाल रहे होंगे, मूर्छा तो हटी गई थी देखते देखते। लेना सिंह कहता गया, क्या कहता गया, लेना सिंह तो व्यंग्य कर रहा था, ये तो कहने में व्यस्त था और ये निकालने में व्यस्त था, लेना सिंह तो व्यंग्य करने में व्यस्त था और उधर जो नकली लेफ्टिनेंट है वो निकालने में व्यस्त था बंदूक। चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लेना, इतने बरस लप्टन साहब के, मांझे का लेना, लेना कहाँ का था, मांझे का, इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए चार आंखें चाहिए, दो आंखों से काम नहीं चलता। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था, ताबीज का मतलब होता डोरा, डोरे, जिसको बच्चा नहीं होता था वो डोरे बांटता था उनको, और लोगों की खूब भीड़ होती थी, और बच्चों को दवाई देता था, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछा, मंजा का मतलब है खटिया, मंजा का मतलब यहाँ पर क्या था, खटिया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, कर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि, अब प्रश्न ये है कि एक मौलवी की बातें बता रहा है कि आपकी तरह एक चालाक मौलवी भी आया था मेरे गांव में, उसको मैंने किस प्रकार से खदेड़ा था, है ना, उसकी बातें बता रहा था। अगर प्रश्न बनेगा नहीं, बनेगा भी तो अंडरलाइन करते जाना आपको, है ना। कर हुक्का पीता रहता था, ये मौलवी की बातें, मुसलमान, मौलवी का मतलब क्या होता है, मुसलमान, कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, ये बातें करता था कौन, वो मौलवी, गौ को नहीं मारते ऐसा संदेश भी देते थे, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे ऐसा निर्णय लिया, मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है, इस प्रकार की बातें कौन कहता था, मौलवी। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया, मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी, दाली निकाली पकड़ के बाहर कि तू गो हत्या बंद कर देगा, सरकार का राज्य जाने वाला है, डाक खान से रुपया निकाल, तू बड़ा दिमागी आया है, दाढ़ी नोच ली उसकी, और गांव से बाहर निकाल कर कहा कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो दोबारा पैर मिलेगा ही नहीं। ये बात किसके सामने कहता है, नकली लेफ्टिनेंट के सामने कहता है लेना सिंह, किसको, नकली लेफ्टिनेंट को कौन कहता है, लेना सिंह, किसके बारे में, मौलवी के बारे में। साहब की जेब में से पिस्तौल चला, इस प्रकार की कड़वी बातें कही तो लेना सिंह की बातों को सुन करके नकली लेफ्टिनेंट को गुस्सा तो आएगा आएगा, तो इतने में साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लेना की जांग में गोली लगी, जांग फुट है, जांग में गोली लगी, घाव गहरा था, लेकिन लेना सिंह घबराया नहीं और तुरंत बंदूक से वार करके नकली लेफ्टिनेंट को मौत के घाट सुला दिया, और पटाखा हुआ, आवाज आई गोली की, तो बोधा सिंह करा क्या हुआ, तब लेना सिंह कहता है कि एक अड़का हुआ गंडक आया था जो मैंने मार दिया, सो जा तू, बोलो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने कहा था, ओके। हाँ, कितना मतलब मजेदार पार्ट है, इधर लेना की हेनरी मार्टिनी के दो फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी, मौत की गाट सुला दिया, धड़ाका सुनकर सब दौड़े, धड़ाका किसका हुआ, बंदूक का, बोधा चिल्लाया क्या है रे, लेना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था मार दिया, ये कथन किसका है, लेना सिंह का, किसको कह रहा है, बोधा को, किसके बारे में हड़का हुआ कुत्ता किसको कहा गया, यहां पर लप्टन साहब को, लप्टन साहब को हड़का हुआ कुत्ता बताया है,
किसने बताया है? लैना सिंह ने। किसको बताया है? बोधा सिंह। बोधा सिंह कौन है? सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र, ठीक है ना। और रक्षा करना किसका दायित्व है? लहना का, क्यों? उसने कहा था। ओके, औरों से सब हाल कह दिया, बाकी सभी को, बोधा को छोड़ करके लहना सिंह ने पूरी हालचाल, पूरी आबीती बता दी कैसे क्या हुआ, लेकिन बोधा को नहीं बताया, ये सोच करके कि वो क्या सोचेगा, किस प्रकार का दुख प्रकट करेगा, नया जाने क्या हो जाएगा, मरने जाएगा, इसलिए उनको ये कह करके सुला देता है कि एक अड़कावा कुत्ता आया था, मार दिया, इतने बोधा सो जाएगा। बस सब बंदूक के लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध ली। कौन सा घाव? जो नकली लेफ्टिनेंट ने गोली चला करके जांग में क्या कर दिया था, घाव कर दिया था। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। इतने में अचानक 70 जर्मन अचानक आ गए। कितने जर्मन कल चर्चा की थी? 70 जर्मन में से 63 जर्मन मारे गए और इधर लैना सिंह के 15 सैनिक मारे गए। युद्ध होता है और अब की बार इस युद्ध के अंदर लैना सिंह के कहां घाव लगेगा? पंसली में, जो गहरा घाव होगा, फिर भी टस से मस नहीं होगा। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, आक्रमण को रोका, दूसरे को रोका, पर यहां थे 8। देखो यहां थे 8, लैना सिंह तक तक कर मार रहा था। लैना सिंह यहां पर 8 सैनिक थे, लेकिन बोधा, क्योंकि जब 70 सैनिक आक्रमण करते हैं तो आगे तो कौन होता है? आगे तो लैना सिंह के 8 सैनिक होते हैं, और पीछे जो वजीरा सिंह अधरा सिंह की सेना को वापस मोड़ करके ला रहा है, उनकी सेना भी जर्मनी सैनिकों को वार कर रही है, तो जर्मनी की सेना दो पार्ट के बीच में आ गई कि नहीं? इधर तो लैना सिंह की 8 सेना के बीच में, उधर हजारा सिंह की सेना भी वार कर रही है, तो जब भिड़ंत होती है तो 70 में से 63 सैनिक जर्मनी के मारे जाते हैं, और इधर हमारे जो सिख सेना होते हैं उनके अंदर 15 सैनिकों की मौत होती है। ओके, तो क्या सारांश निकला युद्ध का तो बता देना। दूसरे को रोका, पर यहां थे 8, लैना सिंह तक तक कर मार रहा था, मौसम बना बना करके। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, वह खड़ा था, बाकी सब लेटे हुए थे, और वे 70, वे कितने थे? 70, ये कितने थे? 8। लेकिन पीछे से भी दावा हो रहा था हजारा सिंह के द्वारा, अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे सब धराशायी हो गए। नेक्स्ट पेज। थोड़े मिनटों में वे, अचानक आवाज आई, देखिएगा, अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। क्योंकि आवाज कहां से आई है? वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दी खालसा, ये आवाज हजारा सिंह की सेना कर रही थी, क्योंकि पीछे से जर्मनी सैनिकों को वो भी सलता रहे थे, मार रहे थे, आगे से लैना सिंह मार रहा था, पीछे से हजारा सिंह मार रहा था, बेचारे की हालत खराब, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों में के बीच में आ गए। दो पाटों के बीच के मतलब है पीछे से हजारा सिंह की सेना वार कर रही थी, और आगे से लैना सिंह की सेना वार कर रही थी। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे, और सामने लैना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे, बंदूकें चल रही थी। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखा दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, क्योंकि ये सिख धर्म के हैं, संत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। लड़ाई खत्म होने पर परिणाम क्या हुआ? परिणाम देख लीजिएगा, ये है परिणाम। क्या ये परिणाम? 63 जर्मन या तो 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या करा रहे थे या तो खेत रहे। खेत रहना क्या है? खेत रहना मुहावरा है, मारा जाना, मारा जाना, या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। जर्मनी के तो कितने मारे गए? ध्यान रखना, मारे गए या करा क्या रहे हैं? जर्मनी के तो 63 मारे गए, और सिख के कितने मारे गए? वही सिख के 15 मारे गए।
जीत किसकी होती है? सिखों की होती है। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पंसली में एक गोली लगी। अंडरलाइन करते जाना है, युद्ध का परिणाम है ये। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे और या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली, दाया कंधा ये है ना, हाँ, गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पंसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया। पूर लिया का मतलब होता है भर लिया। अब की बार पंसली में गोली लगी है। जो जांग में गोली लगी थी वो तो लेफ्टिनेंट के द्वारा लगी थी, नकली लेफ्टिनेंट ने। बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत, ध्यान रखना हवा को क्या कहा गया है उस समय, दंत वीणोपदेशाचार्य। हवा को क्या कहा गया है? दंत वीणोपदेशाचार्य। और जिसके प्रकाश से संस्कृत, और प्रकाश को क्या कहा गया है? सही नाम दिया गया है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। यहाँ पर तू न होता तो कौन कह रहा है? तू न होता तो यहाँ पर तू किसके लिए प्रयोग हुआ है? लहना सिंह के लिए प्रयोग हुआ है। कह रहा है कि सराहना तो होती है, होनी भी चाहिए। लहना सिंह की प्रशंसा हो रही है कि अगर लहना सिंह वहाँ नहीं होते तो सब कुछ समाप्त हो जाता। आज के लिए बहुत हो गया, आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम इस पार्ट को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार आप रिवीजन करते रहें, बार बार वीडियो देखें, बार बार पाठ को पढ़ें, अंडरलाइन को पढ़ें और पाठ को पढ़ें, पाठ को साथ में लेकर के चलें, अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, सभी मस्त रहना, बस अच्छी प्रकार से हंस करके और एक खुले दिल और दिमाग से आप पढ़ाई करना। तब तक लग के थैंक यू।